कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं तहरी। तो तहरी बनाने के लिए हमने एक गाजर ली है, मटर है और आलू है। हमने इनको काट के रख दिया है। और मसाले में थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरी धनिया। और ये चावल रखे हुए हैं। तो हम पहले मसाला पीस लेते हैं, बाद में हम तहरी बनाएंगे। तो कुछ भी सब्जी नहीं थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो बस एक मन में ख्याल आया कि कुछ रहने दो, शाम का वक्त है, हल्का फुल्का चल जाएगा। तो हमने इसी को बनाना सही समझा। तो हमने सोचा चलो अब बना लेते हैं। तो हमारी ये रेसिपी आप जरूर देखें और पूरी देखें। और आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि हमारी वीडियो पूरी फॉलो करें और हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और हमारे जो मिनट होते हैं, जो वॉच टाइम दिया जाता है, वो जल्दी से पूरा हो जाए। तो हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारा वॉच टाइम पूरा हो पाएगा, वरना हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे बस यही इल्तिजा है कि आप सब हमारा पूरा पूरा सपोर्ट दें और हमारा साथ दें। और हमें पता है कि हमारे दोस्त हमारा पूरा साथ देते हैं, फिर भी मैं इल्तिजा करती हूँ आप लोगों से। और ये जो चावल हैं, ये देख सकते हैं आप चावल, ये इंडिया गेट चावल हैं। और ये कनकी नहीं है, कनकी के ऊपर वाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब मसाला पीस लेते हैं और तहरी तैयार। तो ये देखिए मसाला तैयार हो गया है और हमने एक चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है और प्याज और थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया है। इससे हम बघार लगाएंगे। और हमने कुकर रख दिया है, बस कुकर में तेल डालना है। तो हम तहरी जो है सरसों के तेल में ही बनाएंगे और हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। तो तेल गरम हो गया है और अब हमने प्याज और मसाला डाल दिया। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छी ब्राउन हो गई है और हम अब इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे और साथ में ही अब मसाले में ही हम नमक अपने हिसाब से डाल दें, जितने आपके चावल सब्जी है उसी हिसाब से नमक डाल दें। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल दिया और अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा जो है वो भुन गया है और अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। चावल हमने धो लिए हैं और अब चावल डाल देंगे। चावल के साथ में ही अब हम पानी डाल देंगे और दो सीटी लगा के गैस को बंद कर देंगे। दो सीटी में ही अच्छी तरह से ये बन जाएगी तहरी। तो जितने हमने चावल लिए थे उसी हिसाब से हम इसमें पानी जो है वो डाल देंगे और अब गैस को बंद कर देते हैं। हमने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं,
क्योंकि हमें टमाटर अच्छे नहीं लगते तहरी में, और हमें इसी तरह की तहरी जो है बहुत पसंद है। और अब इसको हम बंद कर देते हैं, दो सीटी आने पर देखते हैं तहरी का क्या। तो ये देखिए तहरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है और दस्तरखान पर खाना भी लग गया है। और खाने में ये मूंग की दाल के पापड़ हैं जो हमने तले नहीं हैं, हमने इनको भूंजा है, और सलाद है, लौकी की सब्जी है, और ये हमने निगोना बनाए थे जो हरे चना और आलू की सब्जी है। ये रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं, तो निगोना है और रोटी है और ये अंडे की भुजिया है। तो आज का हमारा यही खाना है। तो देखिए सब लोग खाना के लिए बैठ गए हैं, और ये देखिए हमारा कैप भी बैठा हुआ है खाने के लिए, उसको भी भूख लग रही है, वो भी बोल रहा है खाला खाना खिलाओ। तो बस अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, और आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। मैं अपनी तरफ से आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप सब लोग आइए और हमारे साथ खाना खाने का लुत्फ उठाइए। तो चलते हैं, और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके कमेंट का दिल से इंतजार करेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।